हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक सॉकेट और एक स्विच का कनेक्शन कैसे करें। बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे और आप भी घर पे आसानी से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर रखा है एक बॉक्स में। तो आप ध्यान में ये रखेंगे कि राइट वाला हिस्सा लाइन होता है और लेफ्ट वाला न्यूट्रल, ऐसा प्रीफर करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लाइन, ये न्यूट्रल, इसको पलटेंगे तो लाइन जो है वो राइट में आ जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो इसको देखेंगे। ये स्विच के नीचे फेस को कनेक्ट कर देंगे और इस फेस से इस लाइन को जोड़ देंगे। इसमें फेस कनेक्ट करने के बाद ऊपर वाले में से एक छोटा सा वायर काट के आपको लाइन से जोड़ देना है। तो ये हो गया फेस का कनेक्शन। और जो न्यूट्रल की वायर आएगी बाहर से, उसको इस न्यूट्रल में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। अगर अर्थिंग की भी सिस्टम है, आप 3 कोर वायर यूज़ कर रहे हैं, तो अर्थिंग को इसमें ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो समझ गए, बहुत सिंपल है, हम आपको वायरिंग करके भी दिखाते हैं। फेस को स्विच के नीचे कनेक्ट कर देंगे और ऊपर के स्विच के पॉइंट में से लाइन को जोड़ देंगे एक छोटे वायर से, और न्यूट्रल को डायरेक्ट न्यूट्रल में बाहर से लाके कनेक्ट कर देंगे। चलिए आपको जोड़ के दिखाते हैं। ये रहा वो छुटकू तार, जिसको हम ये ऊपर वाले पॉइंट से इस लाइन में जोड़ देंगे ऐसे करके। ये देखिए, ये सॉकेट टू स्विच फेस वायर कनेक्ट हो गया है। अब जो बाहर से वायर आएगी, उसमें एक फेस रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। तो फेस को आपको इस स्विच में कनेक्ट कर देना है, नीचे में फेस को, और न्यूट्रल को डायरेक्ट ये वाले पॉइंट में। वो भी हम करके दिखाते हैं। तो ये हम स्पीकर वायर यूज़ कर रहे हैं, एक फेस एक न्यूट्रल। एक को डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे और इस दूसरे को स्विच के नीचे वाले में। ऐसा अगर आप एक्सटेंशन बनाते हैं तो यहाँ गठान ज़रूर लगाइएगा, ताकि इधर से वायर का इम्पेक्ट हो तो कनेक्शन से हमारा वायर खींचा ना जाए। तो पूरा फाइनल कनेक्शन करके हम आपको दिखाते हैं। हो गया हमारा डब्बा रेडी। देखिए, यहाँ छेद कर दिए हैं और ये हो गया ऑन ऑफ।